जान है जी यार, वो साल्ट माइन सबसे बड़ी वो कंट्री कौन सी है पता है यार? शायद हॉलैंड है। हॉलैंड नहीं, पोलैंड है। पोलैंड। अच्छा, तो दूसरी कहाँ पे होगी, अंदाजन बताओ? दूसरी याद नहीं आ रहा, लेकिन आई गेस पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाली साइड पे है। भी थोड़ी देर तक आपको सरप्राइज मैं वहीं पर लेके जाऊंगा। चलो ठीक है यार, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। I don't mind a little rain on my suit. A little bit of angry makes you cute. We've been watching. So, जी guys, welcome back to my life, welcome back to my YouTube channel, and welcome back to my new vlog. पीछे जो सीन देख रहे हैं आप पहचान के होंगे। और जी हाँ, हम मौजूद हैं कहाँ पे? खेड़ा माइन। खेड़ा माइन, वो ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन पे जाना है अंदर खेड़ा साल्ट माइन, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये नमक की कान है, यहाँ से सारा नमक एक्सपोर्ट होता है। तो व्यूअर्स, अभी मैं एंट्री करा चुका हूँ पार्किंग की, तो 20 रुपये चार्जेस लगे हैं। और ये गाइस जेंट्स वाशरूम वगैरह भी हैं इनके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये लेफ्ट साइड पे गाड़ी डायरेक्ट आती है इनकी, लेफ्ट साइड भी पार्किंग है। तो मोटरसाइकिल की पार्किंग होती है वो बाहर होती है। जी व्यूअर्स, ये माइन एंट्री टिकट, ये इस नमक कान का टिकट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर टिकट लेते हैं, यहाँ से अब एग्जिट है। ठीक है, तो अभी जाते हैं आगे, देखते हैं क्या हिसाब किताब है, देखते हैं टिकट वगैरह कितने क्या, ट्रेन के चार्जेस अलग से हैं 200 पर हेड, ये आप आराम से देख लें। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस से पहले आपको गाइस बताते हैं, ये लेफ्ट साइड पे झूले वगैरह भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं। तो एंट्रेंस, अभी चलते हैं आगे। खड़ा बच्चे भी मजिन देगा, लुक एट दिस ब्यूटीफुल वो, जल्दी का, जल्दी का, लेट्स सी। ये जो ट्रेन है ये आपको अंदर लेके जाएगी सीधा नमक की कान पे। तो पहले आपको मैं दिखाए हैं टिकट वगैरह की इन्फॉर्मेशन सारी दे दी आपको, कान नमक चूड़ा, इसकी क्या हिस्ट्री है सारा कुछ आपको अंदर जाके इंशाल्लाह बताएंगे। 1916 में जाके ये बनी है, इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी है, साथ साथ आपको बताते चलेंगे। बस हमने ये ट्रेन वाला ट्रैक नहीं पकड़ा, हम बस पैदल जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और क्या सिस्टम है सारा आपको बताएंगे। ये साथ फिजान और एक छोटा सा बच्चा, ओए होए क्या बहुत है, ठंडक बढ़ी है यार, इधर चलें, ठंडक है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ी सर्दी भी महसूस हो रही है, तो आप लोग सामने देख लें, ये पीछे नजर आ रहा है आपको, ये ट्रेन का ट्रैक है। तो फ्रेंड, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूँ। जब राजा पोरस और जब सिकंदर आजम के दरमियान जब जंग हुई थी, तो सिकंदर आजम के जो घोड़े थे उन्होंने चट्टानों को चाटना शुरू कर दिया। तो लोगों ने जब सारे सिकंदर आजम के लोग इकट्ठे हुए, सारे फौजी इकट्ठे हुए, उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये नमक है। तो उस वक्त से ये नमक को अभी माइनिंग की जा रही है, इस नमक में माइनिंग की जा रही है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। पहले 2-3 जो साल्ट माइन है, ठीक है, वहाँ से जो नमक होता है वो एक्सपोर्ट होता है। हमारे पाकिस्तान से भी नमक काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। इसकी जो टोटल लंबाई है इस साल्ट माइन की, वो 3 से 4 किलोमीटर है। मगर अगर सारे फ्लोर को मिला जुला के, जहाँ पर माइनिंग नहीं हुई वो, और जहाँ पर माइनिंग हो रही है वो मिला के बात की जाए, तो 300 किलोमीटर बनती है। और ये एशिया की सबसे बड़ी साल्ट माइन है। वैसे तो हम ट्रेन बैठ सकते थे, मगर हमने बोला भाई व्यूअर्स को दिखाएंगे लाइव, पैदल चल के आराम से, 1 किलोमीटर तकरीबन फासला है यहाँ से। येलो नमक देखा, तो ये देखें भाई, बिल्कुल रियल टेस्ट। ये पानी बहुत साल्टेड है, तो हमने चेक किया। देखिए जी, धमाके का असर देखें, ये धमाका करते हैं ये सारी चीज़ तबाह हो जाती है, ये आगे तक माइनिंग हुई पड़ी है। फाइनली अभी हम उधर पहुंच चुके हैं जहाँ पे ट्रेन रुकती है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा सफ़र था, तकरीबन 7 या 10 मिनट हमने पहले चला होगा। ये ट्रेन होती है भाई, अच्छी यहाँ पे लुक एंड दिस, ये चेक करें भाई लाइटिंग, ये लाइटिंग किस लिए हो रही है, ये भी नमक है, ये आप चेक करें बस। और
ये देखें इसकी जानते हैं क्या हस्ती है इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम सर मलिक कमाल है। और आपका बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लेके आए। इस वक्त आप लोग खेड़ा सॉल्ट माइन के अंदर मौजूद है और जिस चौक के ऊपर आप लोग खड़े हैं इस चौक का नाम है चांदनी चौक। अच्छा, ये चांदनी चौक चली जाए तो अंधेरा चौक। इस माइन की 17 लेवल है, 5 इससे ऊपर है, 6 पे आप लोग विजिट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर है। अच्छा, 11 मतलब इससे नीचे है। 17 फ्लोर है जी सर। 17 लेवल है, 5 ऊपर है, 6 पे आप और 11 से नीचे हैं। अच्छा, 150 साल हो गए सर यहाँ से नमक को निकालते हुए। एक अंदाजे के मुताबिक 20% भी नमक अब तक यहाँ से नहीं निकला सर। अच्छा जी सर, इस माइन का जो वेदर होगा वो अपोजिट होगा। बाहर जितनी गर्मी होगी अंदर इतनी ठंड होगी, बाहर जितनी ठंड होगी अंदर इतनी गर्मी होगी। क्या जी सर, दुनिया की दूसरी बड़ी माइन है और एशिया की पहले नंबर के ऊपर है। जो दुनिया की सर पहले नंबर के ऊपर है वो पोलैंड के अंदर है, क्राको सॉल्ट माइन। ठीक, आगे आप लोग जाएंगे दुनिया की खूबसूरत बादशाही मस्जिद आएगी। मस्जिद नारे पाकिस्तान, नथिया गली, मरी की बर्फबारी, पुल सरात, दीवारें मोहब्बत से आपकी वापसी होगी। यहाँ से वापसी होगी? जी जी। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? ये सर डिस्ट्रिक्ट जिले से लेके मियाँ वाली तक ये सारा नमक ही नमक है, 350 किलोमीटर। ठीक है, मतलब माइनिंग अभी रहती है, सिर्फ 20% हुई है जी। जब जो अब तक माइनिंग हुई सिर्फ 5 किलोमीटर हुई है, 2 किलोमीटर वेस्टिंग एरिया और 3 किलोमीटर वर्किंग एरिया है। ठीक है, इसकी क्या ये लाइटिंग लगी हुई अंदर या है? ये सर अंदर लाइटिंग इसके 3 कलर, रेड पिंक वाइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको सारी हिस्ट्री पता लग गई होगी। अरबों साल पहले एक छोटे समुंदर के खुश होने पर अजीम से किरे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वुडगे फॉल करके तालाब अभी आपको दिखाते हैं। ये तालाब है नमक वाला। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये घूमता रहेगा, घूमता रहेगा ना, घूमता रहेगा। किधर आए हो? नमक आए किधर हो? नमक मैंने लोग देखे हैं अभी अभी सामने देखे हैं, लोग यूरोप से भी आए हैं देखने के लिए। ठीक है, वो उनका स्टे था इस्लामाबाद, मगर यहाँ पे देखने लाजमी आए हैं। उनसे मैं बात करूँगा, अगर मुझे नज़र आया ना तो उनसे बात पूछा। ये जो तारे लगी हुई हैं डेंजरस, वेरी डेंजरस। लुक एट दिस सीन, ये सीन में देखने के लिए मुंतजर था। प्यारी सी मस्जिद बनाई है उन्होंने, शाही मस्जिद। इट इज़ अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम, भाई फर्स्ट टाइम आए इधर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बीएस बॉटनी के। अच्छा, ये सारे स्टूडेंट्स हैं? हाँ, ये बीएस बॉटनी के स्टूडेंट हैं, हमारे साथ प्रोफेसर भी है और हम भी आए हैं। कहाँ से आए आप? पेशावर से आए। ये जो ऊपर से लटक रहा है नमक पहाड़ी से, ठीक है, इसकी हिस्ट्री में आपको ये दिखा देता हूँ, ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं क्या हिस्ट्री है इसकी। और ये आप देख सकते हैं जी, मीनारे पाकिस्तान, नमक का बना हुआ मीनारे पाकिस्तान, क्या बात है यार। तो अभी आपको दिखाता हूँ लाइव हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ साल्ट माइन खेड़ा। ये जो मैं कह रहा था कि सिकंदर आजम और राजा पोरस की जंग के दरमियान ये घोड़े थे जो कि नज़र आ रहे होंगे उस ज़माने के, जिन्होंने ये खोद की थी, जिसकी वजह से खोद हुई थी। मगर पाकिस्तान में ये बनी है, प्रॉपर बन गई थी 1916 में, मतलब पाकिस्तान में ये नक्शा बन गया था 1916 में। खोद कब हुई? 326 BC में। ओके, हो गया। सिखों ने मुग़लों से नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया 1809 में। ये क्या बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है? ये देखेगा, इसको सर्दी लग रही थी तो मैंने अपनी वो बास्केट दे दी।
बात को